वहीं दूसरी तरफ सनराइज होने की वजह से जैक अपने नॉर्मल फॉर्म में आ रहा था और पूछ रहा था कि कल हमने क्या किया। मेरा दर्द भी दर्द कर रहा है, इसका मतलब कल रात हमने बहुत ज्यादा फन किया होगा क्रूज शिप पर। और हुड की तरफ देखकर पूछता है ये पागल कौन है, जिस पर हुड उसे गाली देता है। तब जैक कहता है भले ही मैं अब 80% लेस हेरी दिख रहा हूँ, लेकिन मैं अभी 100% केपेबल हूँ तुम्हें खाने के लिए। तब हेलस्टॉर्म डॉक्टर को बताता है कि हवा बदल रही है वेस्ट की तरफ, जहाँ पर कोस्ट है, जहाँ पर रिजॉर्ट और इनोसेंट विलेजेस है, डॉक्टर हमें कुछ करना चाहिए। तब डॉक्टर मॉर्बियस कहता है मुझे पता है, लेकिन मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं बिना डाटा के डिसीजन नहीं ले सकता, और हम अपनी इम्यूनिटी के बिना क्या करेंगे मुझे नहीं पता। तब मैन थिंग को लेकर आते हुए जेनिफर केल पूछती है क्या किसी ने यहाँ पर इम्यूनिटी का नाम लिया। मैं स्वयं मर लेकर आई थी अपने घर फ्लोरिडा से, इन केस अगर मुझे अपने ओल्ड फ्रेंड को बुलाने की जरूरत पड़े, और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये यूजफुल है इस वक्त। मैन थिंग मिलो मेरे दोस्तों से, और दोस्तों ये है द मैन थिंग। जॉम्बी शैम्बल से 20 किलोमीटर दूर वेस्ट की तरफ सिमन गार्थ और डेडपुल एक गांव में से जा रहे थे, जहाँ पर डेडपुल जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था हमसे डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। मैं रिपीट करता हूँ, हम तुम्हें खाना नहीं चाहते, जो कि एक अगली स्टेरियोटाइप है। तुम हमें इसलिए जज नहीं कर सकते क्योंकि हम लाइफ इम्पेयर्ड है, हम सिर्फ एक जगह की तलाश कर रहे हैं जिसे हम अपना कह सके। हम बम्स नहीं है, हम इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। मेरा एसोसिएट मिस्टर गार्थ सभी एग्रीकल्चरल काम कर सकता है, जबकि मैं डेडपुल होनहार हूँ नीलामी करने में या फिर कार्निवल बार्किंग इंडस्ट्रीज में। तभी सिमन गार्थ एक औरत का हाथ पकड़ लेता है, जिस पर डेडपुल कहता है और हमारी होप ये है कि तुम हमें अपना ट्रस्ट अर्न करने का मौका दो, और कहता है ये हुई ना बात, चलो अब मेरे साथ गाना गाओ। और डेडपुल गाना गाने लगता है, वो औरत आसमान में देखती है उस इन्फेक्शन क्लाउड को, और वो इन्फेक्शन क्लाउड ब्लड की बारिश करने लगता है, जिसके संपर्क में आते ही कोई भी जलने लगता है और वो खून में तब्दील हो जाता है। वही एक आदमी अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने घर में जाता है और गलती से वो उस खूनी बारिश का एक बूंद चख लेता है, और उसके बाद वो आदमी जॉम्बी बनकर अपने ही बच्चों को खा जाता है। तब बाहर जॉम्बी डेडपुल सिमन गार्थ से कहता है मैं समझ नहीं पा रहा ये क्या हो रहा है, क्या हमने ये सब किया, क्या हम जिम्मेदार है इसके लिए, लेकिन मुझे लगता है हम नहीं होंगे, और ये हमारे साथ ही क्यों होना था, क्या हम शांति से जी नहीं सकते, कुछ ना कुछ आकर हमें तंग कर जाता है। तब हम देखते हैं मैन थिंग को उनका पीछा करते हुए उस खूनी बारिश में। तब डेडपुल को किसी चीज की स्मेल आती है, इस पर वो कहता है ये बहुत खराब स्मेल है, सिमन अपने सड़े हुए पैर तोड़ दो। ब्लैक टैलेंट के प्लांटेशन में वो अपने जॉम्बी से कह रहा था मेरी रक्षा करो ऑल लिविंग गेड़े के नाम पर, जो तुम्हें कमांड और स्पार्क ऑफ अनलाइफ प्रोवाइड करता है। तभी मिचेल मॉर्बियस हेलस्टॉर्म से कह रहा था जल्दी करो हेलस्टॉर्म, हमें शेल्टर की जरूरत पड़ सकती है इससे पहले कि वाइंड शिफ्ट हो जाए, और हेलस्टॉर्म उन जॉम्बीज को मार रहा था। तब मॉर्बियस उसके प्लांटेशन में घुसते हुए कहता है नॉक नॉक, उस पर ब्लैक टैलेंट कहता है टेकबा के नाम पर जो गार्डियन है थ्रीशोल्ड का, मैं तुम्हें अपने घर को अपवित्र करने नहीं दूंगा तुम्हारे प्रेजेंस से, और फिर से कहता है कि मेरे साइड आ जाओ, मैं अभिमंत्रित करता हूँ इसका प्रोटेक्शन, और वो मंत्र पढ़ने लगता है। फिर टेलन को पंच मारते हुए कहता है अपना मुंह बंद रखो, जिस पर मॉर्बियस पूछता है कि तुमने हमारी साइड क्यों ली। तब फिर बताता है तुम्हारी मॉन्स्टर स्क्वाड लगभग ये तो जानती है कि वो क्या कर रही है, और तुमने जो ये स्क्वाड बिल्ड की है उसका दुश्मन और मेरा दुश्मन लगभग सेम ही है, तो ये एक डील जैसा है। तब मॉर्बियस कहता है हाँ करीब करीब ऐसा ही है। तब जेनिफर केल से जैक पूछता है कि तुम स्वयं क्रिएचर की आई के जरिए क्या देख रही हो। तब जेनिफर केल जवाब देती है कि ये क्लाउड्स ये भरे हुए हैं ब्लड और गाढ़े खून से, जो डिस्चार्ज कर रहे हैं विस्केरा इन्फेक्टेड रेन के फॉर्म में, और वो हर तरह की लाइफ चूस रहा है जो भी उसके कॉन्टेक्ट में आ रहा है उससे। ये किसी तरह की बेमेल पैरोडी लगती है वाटर साइकिल की। जैक आगे पूछता है कि जेन वो मॉन्स्टर कैसा है। तब जेन बताती है कि वो पूरी तरह से इम्यून नहीं है, रेन ने उस पर भी असर किया है, वो उसे भी वीकन कर रही है, लेकिन मैन थिंग को उसकी पावर सीधे अर्थ से मिलती है, तो वो खुद को हील कर रहा है और उन घावों की भरपाई कर रहा है इससे पहले
कि रेन उसे पूरी तरह से खत्म कर दे। तब डॉक्टर मिचेल मॉर्बियस जैक से कहते हैं, जैक ऊपर जाओ और देखो कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, ये जगह वैसे तो टाइट लग रही है लेकिन फिर भी चेक कर कराओ। तब जैक ऊपर जाता है चेक करने के लिए, तभी डॉक्टर मॉर्बियस को कॉल आता है जो कहता है आर्मर सेंट्रल कमांड टू डॉक्टर मॉर्बियस, और लिटिल स्काई पूछता है, मिचेल बताओ वहाँ पर क्या हो रहा है, मैं डायरेक्टर लिटिल स्काई बात कर रहा हूँ।